के बारे में हम क्या जानते हैं? पहले तो ये लिख लीजिए डेफिनेशन, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक, हम लुइस एसिड ले सकते हैं यहां पर AlCl3, FeCl3, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड बेंजीन शो एल्काइलेशन विद एल्काइल हैलाइड एंड एसाइलेशन विथ एसिड हैलाइड। दिस रिएक्शंस आर नॉन बाय फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, यानी हमारे पास अगर ये बेंजीन रिंग है और आपने इसको आर एक्स विद AlCl3 या आर सी डबल बोन्ड ओ सी एल विद AlCl3 रखा, तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, आर आ जाएगा ग्रुप, और यहां आपके पास आ जाएगा सी डबल बोन्ड ओ आर, ये कहलाएगा एल्काइलेशन, ये कहलाएगा एसाइलेशन, और दोनों ही रिएक्शन आपके लिए क्या कहलाएगी, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। कुछ कुछ समझ में आया? तो ये तो आपके रहा फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। अब आपके पास आ रहा है कि इसकी मैकेनिज्म क्या रहेगी, तो चलिए मैकेनिज्म पे बात करते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले बात ही हमारी इससे मैकेनिज्म पे होगी, तो मैकेनिज्म इसकी कोई बहुत टफ नहीं है। आर एक्स जो हमारे पास यहां पर एल्काइल हैलाइड है आर एक्स, ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा AlCl4-, ये Cl है तो Cl4-, और अगर ये कोई और हैलाइड है Cl3X- प्लस आर प्लस, ये अपने आप में आर प्लस अपने आप में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन इज ए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आर प्लस इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोल सकते हो, ESR या ESR, और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, R, ये आपके पास हो जाएगा। ये रही मैकेनिज्म फर्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एल्काइलेशन। समझ में आ रहा है? इसी तरह की मैकेनिज्म आपको एसाइलेशन में आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन, यहां हमारे पास आर सी डबल बोन ओ सी एल है, एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, और हमारे पास अगर ये एसिड हैलाइड है तो AlCl4- और उसी के साथ कॉम्प्लेक्स रहेगा C डबल बॉन्ड O R का प्लस कॉम्बिनेशन, सही है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन चुका है। अब ये वाला पार्ट हमारे लिए एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है और ये ही बेंजीन रिंग पे अटैक करना चाह रहा है, पक्का? तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा
इस तरफ अटैक करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन बचे हुए AlCl4 के साथ भी रिएक्ट करेगा और AlCl3 और HCl बनाएगा। लेकिन फिलहाल तो आप ये तो बना के चले, लास्ट में आपके पास ये सब देखने को मिलेंगे। यहां जो H प्लस निकलेगा वो AlCl3X- के साथ रिएक्शन करके AlCl3+HCl बना देगा या HX बना देगा। समझ में आई? तो ये पूरी मैकेनिज्म फ्रेडल काफ रिएक्शन की है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वही रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्रेडल इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास फ्रेडल काफ रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। अब हम इसको आगे और पढ़ेंगे। देखिए, हमने फ्रेडल काफ रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया, अब उसके अंदर कुछ की पॉइंट आपका इंतजार कर रहे हैं। की पॉइंट ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फर्स्ट, जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के की पॉइंट है, फर्स्ट फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन क्राफ्ट रिएक्शंस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकंड, इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट होगी, लेकिन जब ये वाली स्टेट आती है, यानी आपके पास इस जगह इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक हो चुका है और एच भी अटैच है, एच और इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर प्लस डेल्टा चार्ज है। समझ में आ रहा है? इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहां पर अभी तक देखा जाए तो हमारे पास बॉन्ड अलग होना बहुत जरूरी है, प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो एक तरह से हमारे पास इस जगह ये वाली स्टेट हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि इस जगह हमारी एक तो एरोमेटिसिटी टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है कंपाउंड्स की, ठीक है, जो कि वापस बननी बाकी है, तो नॉन एरोमेटिक हो चुका है एरोमेटिक से विद प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो इस कारण इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। थर्ड पॉइंट, लिखते जाओ फास्ट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जो यहां पर फ्रेडल क्राफ्ट के अंदर होता है, इन केस ऑफ एल्काइलेशन से, इन केस ऑफ एल्काइलेशन रिएक्शंस, पॉली एल्काइल प्रोडक्ट जनरेट। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ये रिएक्शंस कर रहे हो, तो CH3 बनेगा, जो कि अपने आप में कौन सा इफेक्ट देगा, CH3 प्लस H, तो अगली बार एल्काइलेशन होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट ये जो बन रहा है, तो और एल्काइलेशन हो जाएगा, तो पॉली एल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट, चाहो तो पॉली एल्काइल बेंजीन भी लिख दो, बेंजीन प्रोडक्ट जनरेट। वेयर एज इसी के अंदर
की पॉइंट हमारे पास है, तो ये की पॉइंट हमारा पॉइंट है। अब आगे ठीक है, वेयर इज इन केस ऑफ एसाइलेशंस मोनो एसाइल प्रोडक्ट विल जनरेट। क्यों भाई ऐसा क्यों? आप देखो, ये आपके पास सपोज कोई रिंग है और आपने R C डबल बॉन्ड O सी एल लिया, ए एल सी एल थ्री ले लिया आपने, क्या ले लिया आपने, ए एल सी एल थ्री ले लिया। तो इस कंडीशन में जब आप रखेंगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड O R, जो कि अपने आप में कौन सा इफेक्ट डालेगा, माइनस M, तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी ड्यू टू माइनस एम, नो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड। डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है माइनस एम, नो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड, बस मोनो ही कंपाउंड मिलेगा। माइनस एम डी एक्टिवेटिंग होता है तो रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट फोर्थ, अगर आप अलग से लिखना चाहते प्लस एम ग्रुप आर एक्टिवेटिंग सो दे सपोर्ट फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन प्लस एम ग्रुप आर एक्टिवेटिंग सो दे सपोर्ट फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये सपोर्ट करते हैं। बट एनिलीन इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ऐसा क्यों देखते हैं। देखो इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आज हमारे पास ओ आर ए या ओ एच ए और हमने फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन लिया, आर एक्स लिया, ए एल सी एल थ्री लिया, ए एल सी थ्री यहां पर क्या रहेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगी ओ आर या ऑब्लिक एच, यहां सी एस सी अटैच हो जाएगा, बोलो यस और नो। लेकिन एनिलीन के केस में, एनिलीन में क्या होता है, देखिए पहले एक मिनट आप इसको तो लिख लीजिए, अब इधर देखिएगा, एनिलीन कुछ इस तरह का होता है NH2, कैसा ग्रुप है अपने आप में, प्लस है, एक्टिवेटिंग डी एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग कई बार अति नुकसान कर जाती है, वही कुछ इसके साथ भी हुआ, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है तो ये क्या करेगा, AlCl3 के साथ ही रिएक्शन कर जाएगा, AlCl3 को क्या चाहिए, लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इसके साथ देके कॉम्प्लेक्स बना देगा, पक्का, तो ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है भाई, तो जब ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो अब ये क्या हो गया, इस तरह का बन जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस एच एच और एल सी एल सी एल सी एल, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस हो चुका है, एक्टिवेटिंग डी एक्टिवेटिंग, अब डी एक्टिवेटिंग क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म हो चुका है और ए एल सी एल थ्री भी खत्म हो चुका है, तो दो दो कारण ऐसे बन रहे हैं जिससे आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, एक तो ये अब डी एक्टिवेटिंग हो चुका है, दूसरा AlCl3 कंज्यूम इन रिएक्शंस, तो फिर आपका कार्बोकेटाइन भी नहीं बनेगा,
आ गई बात समझ में। तो ये दोनों कारण ऐसे हैं कि एनिलीन जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप रखता है फिर भी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहा। ड्यू टू अबव रीजन ड्यू टू अबव रीजन एनिलीन हैव एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप बट नॉट शो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन एफ सी आर। और बाकी दूसरे जो ग्रुप है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? फिफ्थ, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो पैदा ही डीएक्टिवेटिंग है, लाइक ये सारे, ये डीएक्टिवेटिंग है, नॉट शो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस लाइक दिस एनओ टू। ये तो पैदाइश ही डीएक्टिवेटिंग है, एनिलीन एक्टिवेटिंग था लेकिन AlCl3 की वजह से डीएक्टिवेटिंग हो गया, लेकिन ये तो पैदा ही डीएक्टिवेटिंग है तो ये तो शो करेंगे नहीं, नॉट शो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये कुछ खास पॉइंट्स है जो आपको समझना है। लिखिए, एक और पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है फ्रेडल क्राफ्ट में। सिक्स, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल, यानी कार्बोकेटायन पॉसिबल रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है OR या OH, मैंने यहां Cl दिया और AlCl3 रखा, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपसे पहले तो ये बनाना है, स्टेप फर्स्ट आपका ये बनेगा, यस और नो? कैसे बनेगा? ये Cl AlCl3 के साथ, फिर अगले ही पॉइंट में क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहां पर? हाँ, 1-2 शिफ्टिंग हो जाएगा, और जब 1-2 शिफ्टिंग हो जाएगा तो फिर अगला पॉइंट जो हम बना रहे हैं OH प्लस, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों याद रखना है, यहां पर 1-2 शिफ्टिंग पॉसिबल है, 1-2 शिफ्टिंग। तो जब भी इस तरह की 1-2 शिफ्टिंग आपको देखने को मिले आप जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, 6 नंबर के पॉइंट्स हो गए। तो ये हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स हो गए कुल, और बढ़ाते चलो आगे करें। तो एक और पॉइंट आपके लिए हो जाता है 7 नंबर का। देखिए 7 का मतलब क्या है, यहां पर आपके यहां जितने ज्यादा सीएल होंगे एल्काइलेशन में उतने ज्यादा बार फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन होने के चांसेस है। तो यहां पर 7 नंबर का पॉइंट आपका फिर इंतजार कर रहा है, इफ इफ पॉली एल्काइल पॉली हैलाइट पॉलीहैलाइड इज रिएक्टेंट
देन मोर देन वन टाइम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और आपके पास सी सपोज सी एच सी एल थ्री है, तो तीन बार हेलोजन है, एक एक करके सब निकाल दे जी। एल सी एल थ्री आपने लिया तो तीन बार आपको देखने को मिल सकता है। जितनी बार हेलोजन होंगे उतनी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये तीनों हेलोजन आपने किससे रिप्लेस कर दिए, बेंजीन रिंग से। मैं मानता हूं इसकी यील्डिंग बहुत कम होगी, जनरली तो फर्स्ट वाला निकलना आसान रहेगा, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट बनेंगे पक्का। बेंजीन आपको एक्सेस में लेनी पड़ेगी, तो ये भी हमारे पास की पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, कि इसके अंदर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, तो कार्बोकेटायन हम केवल एक ही तरह से नहीं बना सकते, और तरह से भी बना सकते हैं। तो बिकॉज इन अबाउ रिएक्शंस कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट, सो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, सो जो आपका रिएजेंट है मे बी डिफरेंट, डिफरेंट भी ले सकते हैं, डिफरेंट टेक प्लेस, डिफरेंट टेक टेक्स लाइक दिस। आपने ये कर लिया, आपके पास बेंजीन है, आपको जब कार्बोकेटायन बनाना है तो ये भी तो कार्बोकेटायन बनाएगा एस सी एल, या सिंपल एस सी एल मतलब एच प्लस ले लो, डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहां बनेगा, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, फिर आपको ए एल सी एल थ्री लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है, आपके पास ये बेंजीन रिंग है, आपने आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ले लिया एच प्लस, तो फिर आपको अब एल सी एल थ्री लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। ये एच प्लस आया इस जगह आया, ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। तो कुल मिला के जरूरी नहीं है कि आप एल सी एल थ्री और हैलाइड लें, आप किसी भी कार्बोकेटाइन से रिएक्शन शुरू कर सकते हैं, आप एल्कीन से भी कर सकते हैं, इसमें भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है। आप ये ऐसे डेरिवेटिव्स में भी कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता, आप ये भी ले सकते हैं। जब आपको कार्बोकेटाइन ही लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं, ये आपने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए आपने ये ले लिया H प्लस, तो ये H प्लस क्या करेगा, इसके ऊपर आएगा प्लस आया, अब इसके ऊपर चार डेंसिटी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होगा, ये वाला इस तरफ होगा क्योंकि इस पर प्लस आएगा, तो फाइनली ये क्या रिएक्शन हो जाएगी। आप देखिए ये एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, और ये ओ एच हो गया, ये भी तो कार्बोकेटायन बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा खत्म। तो जब ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये इस तरफ चला गया तो अच्छा है, और अगर यहां एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसकी ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे लगा दो, और पेरा पे ज्यादा लगाओ क्योंकि वो स्टेरिक हिंडेंस कम रखता है तो उसकी यील्डिंग ज्यादा होगी, तो ऐसे भी प्रोडक्ट बनते हैं। बोलो आ रही है बात समझ में, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर, बस थोड़ा सा आईक्यू रखिएगा। करते हैं इनको, सबसे पहले यहां क्या मिलेगा इंटरमीडिएट, आपको कार्बोकेटायन वन डिग्री अनस्टेबल है, कन्वर्ट किसमें होगा टू डिग्री, तो ये टू डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। बेंजीन भी है तो बेंजीन में क्या देगा, ई ए एस आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो क्या होगा ये अटैक करेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा, तो फाइनल आपको क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा,
क्यूमीन, हाँ या ना? इसके अंदर डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा कार्बोकेटायन, जो बेंजीन के ऊपर फर्दर अटैक करेगा और क्यूमीन बनाएगा में। तो ये आपके पास अगेन क्यूमीन बन गया। यहां क्या बनेगा, एच प्लस अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड के साथ, और आपको कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंड 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, जो कि अपने आप में वापस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और ये फर्दर क्यूमीन आपको देखने को मिलेगा, ESR, और आपको क्यूमीन ही देखने को मिलेगा। यहां क्या रहेगा, एच प्लस है, इस पर अटैक करेगा, कार्बोकेटायन यहां बनेगा जो रिंग अरेंजमेंट होके 2 डिग्री बनाएगा, और 2 डिग्री बनाने के बाद वापिस बेंजीन के साथ ESR रिएक्शन देगा। तो ये ESR रिएक्शन देके क्या बनाएगा, अगेन क्यूमीन। अच्छा, यहां पर भी क्यूमीन बन रहा है, क्या बात है। अब एच प्लस हमारे पास यहाँ अटैक करेगा, कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा सीधा, जो बेंजीन के साथ अटैच करेगा, और क्या बनने को देखने को मिलेगा, वही ESR। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन अनेक लेकिन आंसर एक। तो यहां सब जगह आपको क्यूमीन ही देखने को मिल रही है, लिखें इसको। तो अगला एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ मिलते जुलते और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है ओ एच, और मैंने यहां पर ले लिया सिंपल बेंजीन और एसिडिक मीडियम H2SO4 या एच प्लस लिख देता हूं मैं, तो कहां से मिल रहा है कुछ नहीं। तो आपको वापिस बताना है, फाइंड द प्रोडक्ट 6 नंबर पे करें इसको, एग्जाम्पल 7। एच प्लस यहां पर ले रहा हूं मैं, AlCl3। जब भी आपको यहां Cl ऐसा दिखे ना, ध्यान से सुनना, क्या दिख रहा है, Cl दिख रहा है सीधा, Cl दिखे तो AlCl3OH दिखे या डबल बॉन्ड दिखे, एच प्लस। फॉर एग्जाम्पल ये 7 हो गया, ये 8 है, ये अगर ऐसा हुआ यहां OH है समझना, तो क्या ले लोगे, एच प्लस। आ रही है बात समझ में? और अगर आपको ये कोई दिख जाए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां एच प्लस के लिए आपने ले लिया HCPO4, 2018 का क्वेश्चन था एडवांस में, तो आप क्या करोगे, यहां पर भी एच प्लस ही इनडायरेक्टली। तो ये सिमिलर एग्जाम्पल है, नहीं तो कैसे सोचोगे, एच प्लस क्या करेगा, एच प्लस यहां अटैक करेगा कार्बोकेटायन, मतलब एक तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां जाएगा, यहां कार्बोकेटायन अटैच होगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरह से OH ये देखने को मिलेगा अभी, तो एक सेकंड के लिए तो आपको यही देखने को मिलेगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये देखने को मिला तो यहां पर क्या है, कार्बन पे प्लस चार्ज, वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, ये हाइड्रोजन बाहर, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ESESR। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये आपके पास बेंजीन, ये एक कार्बन है ना, दो और तीसरे पे OH, एक दो और तीसरे पे OH, कोई दिक्कत नहीं है पक्का, और भी आगे फर्दर रिएक्शन हो सकती है, OH वापिस अटैच हो सकता है। तो अगर आपके पास एच प्लस हाईली कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ प्लस आएगा, ये कार्बोकेटायन वापिस अटैच होगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट पता है क्या मिलेगा आपको, देखिएगा, एक दो ठीक है, और ये आपके एक तरह से क्या बन जाएगा, एक दो, तो मेरे पास ये एक और दो, इस तरह का देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो वो तो आपको देखने को मिल ही रहा था, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, अगर AlCl3 लिया तो ये Cl गया, यहां पर प्लस चार्ज, तो आपको वापस क्या देखने को मिलेगा, यही कंपाउंड, क्योंकि आपको कंपाउंड अभी एक बार तो ये देखने को मिलेगा प्लस चार्ज, यानी वही चीज आगे फर्दर जाके क्या मिलेगी, ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप यहां पर आ रहे हो, मैं यहां थोड़ा सा एक और बढ़ा देता हूं OH, अच्छा नहीं लग रहा, 1 2 3 4, तब आपको कंपाउंड डायरेक्टली मैं बना देता हूं, क्या होगा, 4 है, यानी 1 2 3 4, पहले कितना था, 3 था ना, बहुत है 3 भी, कोई दिक्कत नहीं है, ये OH 1 2 3, मुझे यहां पर भी बताओ, 1 2 3 था, तो 1 2 3, तो यहां दिक्कत आएगी, यहां आपके 3 होने चाहिए, तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, अंतर है वहां और यहां में, आ रही है बात समझ में।
अच्छे समझ में आ गया? तो आपका ये कंपाउंड बनेगा ना कि ये, और यहां पर जैसे ही एच प्लस अटैक करेगा यहां कार्बोकेटायन बनेगा, और यहां पर भी मेरे को क्या देखने को मिलेगा, वही तीन कार्बन देखने को मिलेंगे, एक दो तीन, दिख गया आपको? सही है। फिर यहां पर ये मेरे पास एक दो तीन, तीन कार्बन है, मेरे को यहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास एक दो तीन और डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ क्यों भाई, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ भी है, ये OH तो निकल गया लेकिन डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा यहां पर। तो यहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिखें इसको। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, सीएल है, सीएल पर कार्बोकेटायन लगाया, दोनों कार्बोकेटायन को लगा के चिपका दो बेचारों को फेविक्विक से, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ये सीएल सीएल, ध्यान से देखना। तो ये वाला कार्बन अटैच होगा, एक दो तीन चार, तो चार लगाने के बाद कितना हुआ, दो तो इस पे ही है, तो कितना हो जाएगा, छह, बिल्कुल सही है। अब ये इस तरफ से अटैच होगा, यानी कि दो सीएल आपको, दो एल्काइल ग्रुप आपको यहां देखने को मिलेंगे, यही बनाया ना आपने, बोलो हाँ या ना। तो बस दोनों पे रिंग क्यों बनाओगे, इधर थोड़ी ना बनेगी, ये तो कार्बोकेटायन है चिपकेगा, इधर थोड़ी ना पाई बॉन्ड है आपके पास, आ रही है बात समझ में। इधर देखो सी एस सी एल थ्री, इसका एक सी एल जाएगा, पीएच आएगा, ये फिनाइल आएगा, दूसरा जाएगा फिर पीएच आएगा, फिर तीसरा जाएगा फिर पीएच आ जाएगा, तो कुल मिला के क्या बनेगा, सी एच पी एच पी एच पी एच का मतलब फिनाइल रिंग हो गया, यही बनाया आपने। अब यहां देखो ये एस सी पी ओ फोर, ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, जाके चिपका दो, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, अंतर ये बस बिल्कुल ऐसा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और वही हमारे पास एसाइलेशन देखने को मिलेगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ और आर आपको देखने को मिलेगा, क्या हुआ एक तरह से एसाइलेशन, देखो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा, पी एच, पी एच की जगह आप चाहो तो ऐसा बेंजीन वापिस बना सकते हो, बिल्कुल सही है। तो बनने वाला कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता, क्या एल्डोल कंडेंसेशन देगा, नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो ऐसा आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरेटेड प्रोडक्ट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन या नॉट एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। AlCl3 यहाँ कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा यहाँ पर, और अब आपके पास इस जगह जुड़ेगा तो जो कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर उसके बाद एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन अभी बनाने बाकी हैं, और उसके बाद पीएच, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, यहाँ देखने को मिल भी रहा है। नेक्स्ट अगला, यहाँ सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है, तो मेरे पास जो स्टेप फर्स्ट है उसमें तो मुझे ये मिलेगा सी एच थ्री, यस और नो, फिर उसके बाद यहां तक तो हमारा फ्रिडल का रिएक्शन है, फिर उसके बाद जिंक अमलगम रिडक्शन क्लिमेंसन, मैं इसको बोलता हूं जस्सी जैसी कोई नहीं, जैसे जिंक अमलगम, सी से क्लिमेंसन रिडक्शन, तो क्लिमेंसन रिडक्शन इस ऑक्सीजन को पूरी तरह से गायब कर देता है और क्या बना देता है, फाइनल कंपाउंड आपको क्या देखने को मिलेगा, सी एच टू सी एच थ्री, यानी एक तरह से क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, एल्काइलेशन देखने को मिला है, इथाइल ग्रुप। इधर देखिए यहाँ ईटी डायरेक्ट ही है, ईटी सी एल एल्काइलेशन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो अंतर क्या है, इसमें भी आपको वही कंपाउंड देखने को मिलेगा सी एच टू सी एच थ्री, समझ में आ रहा है, इसमें भी यही मिल रहा है, इसमें भी यही मिल रहा है, लेकिन इसमें मोर यील्डिंग मिलेगी इन दोनों के कंपेयर में, क्यों भैया, मोर इफेक्टिव, ऐसा क्यों, बिकॉज एसाइलेशन एसाइलेशन इज बेटर देन एसाइलेशन इज बेटर देन एल्काइलेशन, लिखे इसको। देखिए बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जिंक अमलगम इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इस कंपाउंड्स को देखो ध्यान से, ये आपको एक तरह से ये वाला कंपाउंड जो आपके पास एल्डिहाइड है उसका क्या कर देगा, कीटोन है उसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, किस में कर देगा, एल्केन में, एल्काइल बन गया, सिंपल, इसका काम ही डबल बॉन्ड हटाओ और एल्केन में कन्वर्ट करो, समझ में आ रहा है, जस्सी का एक ही नारा, ऑक्सीजन हमारा, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को हटा दिया और जगह क्या लगा दिया, दो हाइड्रोजन लगा दिए, क्लियर है। तो अब आगे अगला काम कौन करेगा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल,
तो जैसे ही ये सीएल आएगा, एस एल हैलाइड आएगा, अब एल्कालेशन हो जाएगा, यानी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ने के लिए तैयार है। किस जगह जोड़े हैं अपन? हमारे पास ये बेंजीन है, देखो ये पोजीशन पे आ सकता है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे आएगा नहीं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अब यहां लगा दो या यहां लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो मैं एल्कालेशन करूंगा तो इस जगह मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं, तो मेरे पास अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास हो गया एसाइलेशंस। आ रहा है समझ में? एसाइलेशंस। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास है सक्सेनिक एनहाइड्राइड और AlCl3 के साथ अटैच हुआ। तो सबसे पहले तो मैं ये पूरा डायग्राम बना देता हूँ, ये CH3 प्लस सक्सेनिक एनहाइड्राइड जो रिएक्शन करेगा, ठीक है। सक्सेनिक एनहाइड्राइड ने रिएक्शन करा तो वही एसाइलेशन होगा CH3, लेकिन उस पोजीशन पे होगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, यानी ऑर्थो लें या पेरा लें? पेरा, बिल्कुल, मैं भी पेरा ही लेना चाहता हूँ। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, कितने कार्बन आएंगे इस ओ के बाद? यहीं से जुड़ेगा, देखना, इस कार्बन के बाद एक दो तीसरे पे तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन, तो एक दो तीसरे पे तो डबल बॉन्ड ओ ही आ गया, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जो भी है OH आ गया, हाँ या ना? अब अगला, ये तो हमारे पास बन गया ए, क्या बन गया ये ए। आगे अगले अगला क्या काम किया है आपने? SOCl2, SOCl2 जिंक अमलगम, ठीक है। तो जेडन जैसे ही लोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी। बी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल सही है, ये क्या बन गया, बी। अब सी देखने को, ये मेरे पास क्या है, बी। बी हमारे पास आ गया, सी हमारे को बनाना है, बिल्कुल, मैंने हटाया है, देखो ध्यान से, ये देखो हट गया ना, तो ये हटा है, अच्छे से ध्यान से देखो, दिख गया आपको? अब सी कैसे बनेगा, आपने ये बनाना है सी, तो सी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2 OH, OH को क्या कर देगा, ये सीएल में डाल देगा, क्या काम करता है, SOCl2, OH हटाओ और सीएल लगाओ, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा किसका करेगा भाई, यहां पर क्या करेगा, देखिए जल्दी से करो। तो हमारे पास ये कौन सा बना है, यहां तक हमारे पास क्या है, अभी सी नहीं बना है, अभी अपन को AlCl3 के साथ भी रिएक्शन करानी है, यानी फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन भी इन्वॉल्व है, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है? तो अभी हमारे पास जो ये कंपाउंड बना था, कौन सा कंपाउंड, ये क्या है, इसका नाम CH3 CH2, ये टू है भाई, CH2, एक दो तीन सीएल डबल बॉन्ड हो। अब क्या करेगा, AlCl3 इसे अटैच कर देगा इस तरह से, CH3, ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरा का पूरा कहाँ आके अटैच होगा, इस कार्बन पे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये यहां पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऐसे एक रिंग देखने को मिलेगी, और अच्छी बात यह कि यहां पर जहां पर अटैच हो रहा है उसके बगल में ही उसी कार्बन से आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, बिल्कुल, ये आपको अभी तक फाइनल ये मिल रहा है, और इसका नाम मैंने क्या नाम दिया, सी। अब मैं सी दे सकता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है तो है, तो यहां आपको ये क्या कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या ये हमारे को क्या मिल गया, डी मिल गया, डी। अब उसके बाद क्या है, HI, HI कंसंट्रेटेड HI है, डिहाइड्रेशन का काम करेगा, H2O निकाल देगा, H2O निकालते क्या काम करेगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, E, ठीक है। अभी तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ये सेलेनियम के साथ अगर आप गर्म करेंगे, SE के साथ अगर आपने गर्म किया, हीटिंग की विद, तो पता है क्या होगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, यानी एरोमेटिक रिंग जनरेट हो जाएगी। तो एरोमेटाइजेशन के अंदर आपके पास क्या फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा,
CH3, यानी ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है, ये एच एच है, इसको डिहाइड्रेशंस कर देगा, डिहाइड्रोजिनेशंस कर देगा। तो डिहाइड्रोजिनेशन यानी दोनों एच टू को निकाल देगा और एरोमेटिक बना देगा। ये तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होता है ना, उसको बेंजीन बनाता है, तो ये काम इसका है। तो सेलेनियम के साथ लिख दो, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सेन है, उसको क्या बना देगा, एरोमेटिक बनाने का काम सेलेनियम के साथ हीटिंग करने पर मिल जाएगा।